नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों की यात्रा निःशुल्क की गई है। इसके आदेश भी शुक्रवार को रोडवेज ने जारी कर दिए हैं। आरपीएससी की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सीकर लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा 29 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होगी। वहीं पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को होगी। इन प्रतियोगी परीक्षा के लिए साधारण और एक्सप्रेस बसों में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र आने और वापिस जाने तक निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी गई है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर। पिछले 1.5 साल से सचिन पायलट कैंप और गहलोत कैंप के बीच अक्सर बयानबाजी देखने को मिलती रही है। दोनों ही खेमों से जुड़े नेता एक दूसरे पर शब्दों के तीखे बाण छोड़ने से भी परहेज नहीं करते, लेकिन शुक्रवार को एक ऐसा भी मौका आया जब लंबे समय के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ एक मंच पर नजर आए। हालांकि खास बात यह रही कि इस दौरान भी दोनों नेता आंखें मिलाने से बचते रहे। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस कहीं न कहीं एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य नेता हेलीकॉप्टर में एक साथ यात्रा की और वल्लभ नगर और धारियावाद में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित रैलियों को भी संबोधित किया। एक मौका ऐसा भी आया जब सचिन पायलट गाड़ी चला रहे थे और अशोक गहलोत बगल में बैठे थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच दूरियां साफ तौर पर देखी जा रही थी। एक और बड़ी खबर। प्रदेश में वल्लभ नगर सीट पर होने वाला उपचुनाव अब बेहद रोचक होता नजर आ रहा है। इस सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भाजपा का खेल बिगाड़ते हुए भाजपा के बागी उदयलाल डांगी को अपना प्रत्याशी बना लिया है। एकाएक हुए इस घटनाक्रम के बाद अब वल्लभ नगर में भाजपा के समक्ष कांग्रेस और जनता सेना के साथ ही एक और बड़ी चुनौती आरएलपी भी बन गई है। दरअसल आरएलपी ने अंतिम समय तक इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले थे, क्योंकि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को इंतजार था भाजपा व कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के ऐलान किए जाने का। जब ऐलान हुआ तो दोनों ही पार्टियों के प्रमुख बागी भी सामने आ गए। एक और बड़ी खबर। नवंबर महीने में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर में प्रस्तावित पुष्कर पशु मेला को राज्य सरकार व पशुपालन विभाग की ओर से निरस्त करने को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बाद अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी ने भी पुष्कर पशु मेला आयोजित करने को कहा है। सांसद चौधरी ने पुष्कर पशु मेले को किसानों व पशुपालकों के हित में जरूरी बताया है। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले सितंबर महीने के अंत में ही पुष्कर पशु मेला निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद किसान पशुपालक व्यापारी और कई जन प्रतिनिधियों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। एक और बड़ी अपडेट। कोरोना के दौरान माता पिता को खो चुके स्कूली बच्चों को राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत दी है। राजस्थान में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के ऐसे करीब 5000 छात्रों को विद्यार्थी कोष शुल्क और विकास शुल्क माफ कर दिया गया है। शुक्रवार शाम शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, 9वीं से 10वीं के छात्रों से विद्यार्थी विकास कोष के तहत 200 रुपए और विकास शुल्क के तहत 250 रुपए वार्षिक लिए जाते हैं, और इसी प्रकार 11वीं और 12वीं के बच्चों से 300 रुपए और विकास शुल्क के तहत 250 रुपए लिए जाते हैं। इसे प्रदेश की सरकार ने माफ कर दिया है। प्रदेश की एक और बड़ी खबर। त्योहारों के बीच बिजली कंपनियों ने बिजली कटौती शुरू कर दी है। जिला मुख्यालयों को छोड़ अब कस्बों में रोजाना 1 घंटे और गाँव में 4 से 8 घंटे बिजली गायब रहेगी। कोयले की कमी से गहराए बिजली संकट को लेकर जयपुर डिस्कॉम ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार और अफसर अब प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करने की जनता से अपील कर रहे हैं। बार बार हो रही बिजली कटौती के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों की रातें अंधेरे में गुजर रही है। चिंता की बात यह है कि आने वाले 10 दिनों तक यही कंडीशन बनी रहेगी। प्रदेश के मौसम को लेकर नई अपडेट। बीकानेर जोधपुर संभाग के बाद अब शुक्रवार को मानसून 2021 जयपुर अजमेर और भरतपुर संभागों से भी अलविदा हो गया है। राज्य में अब कोटा और उदयपुर संभाग को छोड़कर समूचे राजस्थान से मानसून ने अब विदाई ले ली है। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश में बारिश की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें।
हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन का निशान दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।